देख सकते कितना सुंदर नजारा है। ऐसा नजारा तो मैंने नहीं देखा है, आप मुझे देखिए तो कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों देख सकते हैं सर दुखा कर दिया, सर दुखा, देख सकते हैं सिर्फ तेल बन रहा है, तेल से हर कुछ हम लोग खाते हैं, सब खाते हैं। सरसों का साग तो और ज्यादा बहुत टेस्टी लगता है, और रोटी के साथ तो और भी बहुत टेस्टी लगती है, क्या बोलो भाई साहब। तो दोस्तों देख सकते हैं इधर मधुमक्खी भी शहद लेने आता है, मधुमक्खी लेके शहद लेके जाते हैं और हम लोग उसे ही खाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना सारा है, बगुला आया है, हम लोग शायद कीने मकोड़े खाने आया होंगे, बहुत सारे है दोस्तों, बहुत सारे। इस फूल से तेल बनता है और उसी तेल आप खाते हैं, जो कि सब लोग दुनिया के सब कोना कोना लोग खाते हैं। और इधर भी देखिए बहुत सारे हैं, बहुत सारे है। आपको दिखाते दिखाते पूरा रात से दिन, दिन से रात हो जाएगा। तो दोस्तों और आ जाइए और चीज दिखाते हैं आपको, और आ जाइए जल्दी आइए, आप लोग को एक घर दिखाता हूँ। चलिए पहले एक फोटो ले लेता हूँ। पोस कैसा रहा कमेंट में बताइएगा। देख सकते दोस्तों बहुत सारे बीचों बीच आके भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप इधर जो है बहुत सारे बर्गर के सांप मिल जाते हैं, इधर बहुत लोगों को कहना है कि इधर ग्रीन कोबरा भी रहते हैं। ओ भाई ये तो देखे नहीं, देखिए उधर नदी भी है। तो दोस्तों नदी जो तो बहुत छोटा है पर हो है बहुत गहरा, बहुत गहरा। आइए वो देखिए घर, जो घर है ना वो ना मछली पकड़ते हैं बहुत दूर दूर से ही, इधर मछली पकड़ते हैं हलो इधर देते हैं। और देख सकते हैं इधर जाने के लिए बोट भी है, इधर बोट से ट्रेवल भी कर सकते हैं, ये सब प्रथा है ताकि मछली वगैरह आके फंस जाए। बहुत कुछ कारण तो इधर बहुत लोगों को कहना है कि इधर तीन कोबरा भी रहते हैं, कभी मैं भूल कर भी इधर हाथ मत दीजिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और चलिए आपको एक घर दिखाता हूँ, हो रहा मजबूरा का घर, चलिए उधर चलते हैं, चलिए। तो दोस्तों इधर एक मच्छरदानी है, और अरे भाई इधर तो लोग जमीन पे रहते हैं, वो देखिए जमीन है भाई, कुछ भी नहीं है, और देख सकते दोस्तों जमीन है। चलिए आगे क्या देखते हैं, चलिए आपको तो दिखा लिया, चलिए और भी थोड़ा सा आपको दिखाई लेती ये जगह, बहुत आपको ये कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो चलिए गाइस नेक्स्ट ब्लॉग मिलते, चलिए बाय बाय, चलिए मैं घर से चलो।